फटाफट करते हैं उसको क्लियर और फिर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 25 मिनट है। केम छो मित्रों, मजामा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। हम पिछले 3 दिनों से यही होमस्टे में रुके हैं। कल पूरा दिन आराम किया, अपने आप को रिफ्रेश किया, थोड़ा बहुत काजा का मार्केट भी एक्सप्लोर किया, और आज अभी हम निकल रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन जो प्लानिंग में है, हिक्किम, कॉमिक और लांगजा। स्नोफॉल की आज भी प्रिडिक्शन है, तो पृथ्वी सर स्नोफॉल के लिए तैयार? स्नोफॉल के लिए तो तैयार, पर अभी ये ठंडे हाथ पानी से हाथ धोने पड़े भाई। पानी से हाथ नहीं धोने के, गर्म पानी से धोने के दोस्त। नहीं है, नहीं है, गर्म पानी खत्म हो गया। और एक्चुअली अभी निकलते हैं यहाँ से लांगजा के लिए, पता चला है कि ब्लैक आइस है, लेकिन ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। बाकी तो ठंडा ठंडा एटमोसफियर है, 3 दिन से हम तो ऊपर हमारे डाइनिंग रूम में ही सो रहे, रूम में कोई सो ही नहीं रहा है, क्योंकि रूम में इतनी ठंड लगती है, रात को नींद ही नहीं निकल पाती है। हमारे अंकित सर का टायर हो गया है फ्लैट, तो वो लगा रहे हैं स्नो चेन। बिल्कुल ही खत्म हो चुका है टायर। सर आपने ये आगे भी यूज किया है? सर एक बार किया मैंने गुलमर्ग की राइड में, कश्मीर में, वहां पर इसने मुझे बचा लिया था, इसीलिए मैं प्रिकॉशन इसको ले आया था, मुझे लगा नहीं था जरूरत पड़ेगी, पर टायर फ्लैट होने की वजह से बहुत बार गिर लिया कल मैंने, ढाई बार। एक बार देख लो चला। चलिए एक बार बाइक को भी कोल्ड स्टार्ट करके देख लेते हैं, हो गया है। थैंक यू, हमारे पृथ्वी सर ने बाइक को ऑलरेडी कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। भगवान का नाम देके आज का दिन करते हैं शुरू। बोलो अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। आज का दिन थोड़ा चुनौती भरा होने वाला है ऐसा लग रहा है। कल तो हमने यहीं पे आराम किया और हमने सक्सेसफुली चिचम ब्रिज को भी कॉन्कर कर दिया था। आज जाने का सोच रहे हैं लांगजा, आज का प्लान है लांगजा, हिक्किम और कॉमिक। अभी अभी जैसे पता चला है कि लांगजा में काफ़ी ब्लैक आइस मिल सकती है, चलिए कोशिश तो करते हैं, वही तो अपना काम है। देखो भाई एवरेजेस्ट वाला एडवेंचर चालू हो गया आज का दिन का। जैसे ही छाव में आते हैं तो ब्लैक आइस का डर बना रहता है, धूप में थोड़ा कम होता है। देख रहे हो दोस्तों, पानी में पूरी बर्फ की परत जमी हुई है। ये तो अच्छा है कि धूप है तो बर्फ पिघल रही है, नहीं तो भैया यहाँ पे चलाना जान का खतरा हो जाता दोस्त। बाजू में खाई आप देख रहे हो। क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, पूरा स्नोई पैच है, मज़ा आ गया लेकिन सही में इस बार। और कंपेरेटिवली रोड भी काफ़ी अच्छे मिले, ब्लैक आइस तो समझो ना के बराबर थी आज के दिन, मज़ा आ गया लेकिन। और मौसम भी अभी तो थोड़ा खुला हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भाई साहब क्या व्यू है यार, अमेजिंग अमेजिंग।
हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज कितना दिन हुआ, 23 तारीख से निकले हुए हैं, आज तारीख है 7 मार्च, आज के दिन आके स्पीटी में ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी राइड एक 90% कम्प्लीट हो गई, जो भी हमने सोचा था। अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट बाकी है, वंस इज कम्प्लीटेड तो हमारी राइड कम्प्लीट हो जाएगी। और अभी भगवान से और बुद्धा जी से यही प्रार्थना है कि जिस तरह सेफ हम यहाँ तक आए हैं वैसे ही वापस घर तक पहुँच जाए। सो 3 cheers फॉर अस, हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप, थैंक यू। तो ये दोनों दिल्ली से है, ये भैया लोकल है, ज्वाइन करवा लिया इनको भी, 14,300 feet। तारा विनाश सांस भूल गई भैया। बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड किया हमने ये लांगजा गौतम बुद्ध के स्टेच्यू पे। शायद पता नहीं आपको पता कि नहीं बताया, ये जो स्टेच्यू है ये है 14,300 feet पे, मतलब ऑलमोस्ट एट द हाइट ऑफ पेंगोंग लेक। एकदम से मौसम बदल गया, हवा काफ़ी तेज चलने लगी और धूप चली गई, तो हमने फटाफट राइड ऑन किया, गियर अप किया और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यार जिस हिसाब से ये चला रहे हैं मेरे को नहीं लग रहा ये कैसे चल, बहुत धीरे चल रहे हैं, उनको तेज चलना पड़ेगा, बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। पूरी ब्लैक आइस थी, 1 किलोमीटर की और ब्लैक आइस थी, लेकिन मौसम काफ़ी बिगड़ने लगा है। अपने दोस्तों को बताना छोड़ो, पहले मेरे दोस्तों को बताओ क्या चल रहा है ये। भैया हमने कोशिश पूरी करी, हाँ तकरीबन 2 किलोमीटर ब्लैक आइस में चलाए, हाँ फिर भी और 1.5-2 किलोमीटर बाकी था और मौसम बिगड़ना चालू हो गया, हल्की हल्की स्नोफॉल भी चालू हो रही है। पता है आपने देखा नहीं, जो मैंने देखा है वो कट के बाद, पता कैसा मौसम है, पूरा घना काला हो रहा है और स्नोफॉल हो रही है वहाँ स्टार्ट 3:30 बजे, आप क्या कहते हैं प्रिडिक्शन है। हाँ और अगर एक एक को करके निकालने लगे ना, मैं गारंटी करता हूँ 6 बजे तक नहीं पहुँच सकते 1 किलोमीटर, एक एक को करना मुश्किल है यार। अपना मैच्योर डिसीजन ही है ना, इसमें मैंने बोला ये मैच्योर डिसीजन है कि वो आ तो रहे हैं, चलो धीरे धीरे आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हर चीज मैच्योर डिसीजन होता है, ऐसा नहीं है। हाँ हमने कोशिश करी, चितकुल में भी यही हालत हुई थी। नहीं ये चितकुल से ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, ये डेंजरस सिचुएशन है ये। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बर्फ में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3 एक मिनट, बस हो गया, हो गया, चलो हो गई। आगे की ब्रेक मार दो। बहुत मुश्किल है दोस्तों, देख रहे हो वहाँ पे, वहाँ पे भी पहाड़ दिखने बंद हो गए हैं, जो हमारे जो गाड़ी भी मिली थी वो भी शायद रुक गया है, क्योंकि आगे मौसम बहुत ही ख़राब है, कैसे मैनेज हो पाएगा पता नहीं। तो हम लोग एक मैच्योर डिसीजन ही लिया हुआ है कि वापस चलते हैं, नीचे उतरते हैं। टॉयलेट करो, टॉयलेट करो, पिक्चर परफेक्ट है यार, जो मेरी आंख देख पा रही है ना, मालूम है गोप्रो नहीं दिखा पाएगा, लेकिन अरे यार गजब गजब। सारी थकान जो भी मुसीबतें होती है या ठंड होती है जिससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन वो ये सब देख के गायब हो जाती है। तो दोस्तों हार तो हम ऐसे आसानी से मानेंगे नहीं, ऊपर वाला जो रास्ता था हिकिम कॉमिक जाने का वो तो हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉट्स और लॉट्स ऑफ ब्लैक आइस। तो फिर हम वापस नीचे उतर के दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो भी रास्ता ऑफ रोडिंग ही है पर ब्लैक आइस नहीं है, तो थैंकफुल फॉर डेट। लेकिन बहुत ही स्टिप चढ़ाई है, तकरीबन पिछले 5 किलोमीटर से ऐसे ही फर्स्ट गियर में डाल के चला रहे। देख रहे हो नीचे काजा सिटी का व्यू, वी आर एट द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस 14,567 फीट। हम पहले लांगजा से ऊपर होने आने की कोशिश करी लेकिन वो तो हम फेल हो गए, बहुत ही ब्लैक आइस थी, तो नीचे उतर के हम वापस आए। सो अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट था आज के दिन का, जो 3 चीज़ें हमें कवर करनी थी उसमें से 2 हम कवर कर चुके हैं और भगवान की मेहरबानी से कोशिश करेंगे कि तीसरी चीज़ भी कवर हो जाए। तो चलिए अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं और फिर आगे चलते हैं। एट द एंड हम लोग पहुँच गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे, जो है 14,444 फीट। हम एक्चुअली ऊपर से आने वाले थे, लांगजा से एक नया रास्ता बनाया ऊपर से, लेकिन बहुत ही ब्लैक आइस थी, हमने कोशिश करी बट कुडंट मेक इट। तो एक बार तो हम हार चुके थे, फिर नीचे आके सोचा कि नहीं आए हैं तो अटेम्प्ट तो करेंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। एंड एट द एंड वी सक्सेसफुली रीच एट द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ से कुछ कार्ड्स हमने परचेस करे हैं यारों दोस्तों के लिए, और अभी यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर है कौमिक, तो अभी वहाँ चलते हैं। फटाफट चलना पड़ेगा क्योंकि सन डाउन हो रहा है, टेम्परेचर भी बहुत डाउन होता जा रहा है। आगे का टायर जाम हो गया भाई, आगे का टायर ही नहीं चल रहा, देख लो भाई, आगे का टायर नहीं चलता था। अरे आगे का टायर नहीं चल रहा, वो देखो उसका टायर अंदर से तो ख़त्म, वो जो कुछ गंद फंस गया, चलेगा ही नहीं टायर, चल ही नहीं रहा, टायर नहीं चल रहा ना आगे का। और अभी हम ऐसे सिचुएशन पे हैं, बहुत रिस्की सिचुएशन पे हैं, और आगे देखो मौसम कितना ख़राब हो रहा है ऊपर, देखो फटाफट चलो और चाय नाश्ता छोड़ो वापस चलो जितना जल्दी हो सके, एक फ़ोटो लो और वापस ले लो। हाँ वहीं वहाँ से वहाँ के जा रहे हैं ना कॉमिक, चलते हैं बोर्ड के पास, फोटो खींचते हैं बाइक के बैठे बैठे। हाँ एक ही बंदा उतरेगा बस, ठीक है। वी आर एट द हाईएस्ट विलेज कॉमिक, हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड। हमारे दोस्त पृथ्वी की बाइक में पूरा बर्फ और कीचड़ जम गया था जिसकी वजह से टायर जम रहा है, लेकिन फटाफट करते हैं उसको क्लियर और फिर बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 25 मिनट है और हमें अभी भी कम से कम 15 किलोमीटर जाना है। अंधेरा होने में 20-25 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। इक्किम भी नहीं पहुंचा अभी, नहीं इक्किम भी नहीं पहुंचे, इक्किम में भी 1 किलोमीटर है और उसके वहां से दूसरा 15 किलोमीटर है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, इक्किम पे बाइक खड़ी कर दो इसकी पोस्ट ऑफिस पे, वही सोच रहे वही कर सकते हैं, और फिर यहाँ से इसको सुबह सुबह हो बाइक तसल्ली से दिन में करो जो करना है वो कर सकते, ये टाइम अभी नहीं है ठीक करने का क्योंकि फिर फंस जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी, चारों की हालत खराब हो जाएगी अंधेरे में। कुछ नेक्स्ट लेवल का ही एडवेंचर हो गया दोस्त, आज तो ठंड माइनस टेम्परेचर बर्फ के बीच जा रहे हैं ऐसे ऑफ रोडिंग पे। कल का दिन तो बहुत ही हैवी रहा, सुबह में चले थे लांगजा के लिए, बड़े आराम से पहुंच गए हंसते खेलते, लेकिन लांगजा से हिक्किम जाने के लिए कॉमिक जाने के लिए एक पहले एक रास्ता लिया, काफ़ी ब्लैक आइस मिली, 5-6 किलोमीटर गए फिर गिव अप करके वापस आ गए, फिर दूसरे रास्ते से ऊपर गए पहुंचे हिक्किम पे, मज़ा किया कॉमिक पे, फ़ोटो खिंचवाए, और हमारा अभी बाइक की जो मोटरसाइकिल थी उसमें पूरा कीचड़ जम के टायर घिस रहा था उसको निपटाया, वो सब करते करते वहीं पे हमें बच गए तकरीबन 6:30 और सन डाउन, और जो टेम्परेचर डाउन हुआ है भाई साहब वाट लग गई। जैसे तैसे फटाफट उसके बाइक से कीचड़ निकाला, ये किया और 7:30 बजे एट लास्ट हम लोग हमारे होम स्टे पे पहुंच गए, लेकिन हालत जो ख़राब हुई थी कैमरा पकड़ने का मूड ही नहीं हुआ। तो इस व्लॉग को यही मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज मी चिराग गांधी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।